सो हेलो फ्रेंड्स, हमने ये दो स्काई शॉट बनाए हैं। ब्लू वाला स्काई शॉट हमने मैच स्टिक के पाउडर से बनाया है और पिंक वाला हमने स्काई शॉट के पाउडर से बनाया है। तो चलिए अब हम इन्हें बनाकर देखते हैं कौन सा वाला सबसे अच्छी तरह से वर्क करेगा, एंड में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक मैच स्टिक्स का बॉक्स लेना है और इन मैच स्टिक्स के आगे वाले पाउडर को हमें प्लायर या फिर कटर किसी की भी मदद लेके अच्छी तरह से उतार लेना है। सो फ्रेंड्स, मैं इसे उतार रहा हूँ। जब तक आप फटाफट से वीडियो को एक लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको हमारे चैनल पे हमेशा रियल कंटेंट ही मिलेगा, हम किसी भी तरह का फेक कंटेंट नहीं बनाते हैं। और मैंने ये स्काई शॉट वाला वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे वीडियोज देखे हैं जो मैचस्टिक से ही एकदम रियल स्काई शॉट की तरह स्काई शॉट बना देते हैं बहुत ही इजीली। इसीलिए सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके आज हम भी स्काई शॉट बनाएंगे और एक स्काई शॉट जो मैं स्काई शॉट के पाउडर से ही बनाऊंगा उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में करेंगे कि कौन सा अच्छी तरह से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ। इसके एक एक स्टेप्स को अच्छी तरह से आप भी फॉलो करके इसे ट्राई कर सकते हैं और एंड में तो मैं इसके रिजल्ट को बताऊंगा ही आपके सामने टेस्टिंग करके। सो हमें एक नोटबुक के वाइट पेपर को कुछ इस तरीके से रोल कर लेना है और उसे फिर ग्लू की मदद से अच्छी तरह से चिपका लेना है और फिर हम कैंची की मदद से थोड़ा ऐसे यहाँ से फिनिशिंग दे देंगे, कुछ इस प्रकार से इसे बराबर कर देंगे। और उसके बाद में हमें एक ये पेपर लेना है और उसका एक बॉल बना लेना है, इसे फोल्ड करके कुछ इस प्रकार से। और इस बॉल को हमें इस पाइप के नीचे सेट करना है। पहले हम इतना अंदर डालेंगे, उसके बाद में नीचे की साइड में ग्लू लगा देना है और फिर मार्कर की मदद इसे अच्छी तरह से नीचे प्रेस करके चिपका देना है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये पाइप बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें इसके अंदर ये मैचस्टिक वाला पाउडर सारा का सारा इसके अंदर अच्छी तरह से भर देना है। सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अब हमें ये दो बिजली बम लेने हैं और इनकी बाट बहुत ही ज़्यादा लंबी है तो हम इन्हें कट कर देंगे ताकि ये ऊपर जाते ही फटे। अगर हम इन्हें कट नहीं करेंगे तो ये नीचे आके फट जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये बिजली बम उसके अंदर अच्छी तरह से फिट आए उसके लिए हमें इनके ऊपर पेपर रोल कर देना है कुछ इस तरीके से, ताकि इनकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो ये उसके अंदर एकदम बराबर फिट आ पाएंगे। स्काई शॉट हल्का सा भी ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हिल के उसी के अंदर अटक जाता है। कुछ इस तरीके का होना चाहिए बराबर। आप इसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए स्काई शॉट भी बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा स्काई शॉट बन चुका है। अब हमें ऊपर ग्लू लगा के इसे अच्छी तरह से सील पैक कर देना है। पहले ऊपर से अच्छी तरह से चिपकाना है और फिर इसे साइड साइड से अच्छी तरह से स्टिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में हमें जो हमने बिजली बम की बाट कट की थी उसी को हमें इसके अंदर लगा देना है, नीचे जो हमने होल किया था। हमारा स्काई शॉट अब रेडी हो चुका है मैच स्टिक वाला। तो चलिए अब हम दूसरा स्काई शॉट बनाते हैं। दूसरे स्काई शॉट के लिए मैं ये अनिल वाला स्काई शॉट यूज़ कर रहा हूँ। इसके पटाखे मैंने ऊपर से निकाल दिए हैं तो हम अब इसका बारूद निकाल लेते हैं एक बाउल में अच्छी तरह से। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें से कुछ इतना बारूद निकला है। तो फ्रेंड्स, आप इस बारूद को देख सकते हैं ये किस प्रकार का होता है। और ये वाला स्काई शॉट भी हम सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे जैसा कि हमने मैचस्टिक वाला स्काई शॉट बनाया है। बस इसमें यही अंतर रहेगा कि हम इसमें मैचस्टिक के पाउडर की जगह पे स्काई शॉट का ये जो हमने पाउडर निकाला है हम इसको डालेंगे और इसके अंदर भी हम दो बिजली बम्स का यूज़ करेंगे जिन्हें कि हम जिनकी मोटाई बढ़ाकर हम इन्हें अच्छे तरह से सेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके आप एक एक स्टेप्स को अच्छी तरह से देख लीजिए और इसी प्रकार से फॉलो करना। तो फ्रेंड्स, स्काई शॉट में ये जो हम नीचे होल करते हैं ये हमें एकदम वहाँ पे करना होता है जैसे ही जो हमने पेपर का बोल डाला होता है उसका एंड होता है, जस्ट उसके ऊपर ये वाला होल हमें करना होता है। इस होल को ऊपर नीचे कहीं भी नहीं कर सकते हैं वरना सेल में अच्छी तरह से आग नहीं लगेगी। अब हमें इस पाउडर को अच्छी तरह से इसमें डाल देना है।
सो फ्रेंड्स ये देखिए माचिस की वो जो खाली तिलियाँ थी मैंने इसकी मोटाई बढ़ाई है। आप इसकी जगह और एक्स्ट्रा बिजली बम डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारा ये स्काई शॉट भी बनकर रेडी हो चुका है। सबसे एंड में हमें इसमें फ्यूज़ इंसर्ट कर देना है यहाँ पे नीचे कुछ इस प्रकार से, और फिर हम इस जो स्काई शॉट हमें स्काई शॉट के पाउडर से बनाया है उसके ऊपर हम पिंक कलर वाला ये बना रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कौन सा स्काई शॉट किससे बनाया है हमने। और ये इसको हमें कुछ इस तरीके से चिपका देना है अच्छी तरह से। सो फ्रेंड्स ये देखिए इसकी लुकिंग कुछ इस प्रकार से लग रही है, इन दोनों ही स्काई शॉट्स की लुकिंग कुछ इस प्रकार की है। तो अब हमें रात का इंतज़ार करना होगा, हम रात को इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। पहले हम मैचस्टिक वाले स्काई शॉट की टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद में स्काई शॉट के पाउडर से जिसे बनाया है उसकी टेस्टिंग करेंगे और दोनों का ही देखेंगे किस प्रकार से वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी अंधेरा हो चुका है और हम बाहर आ गए हैं इनकी टेस्टिंग के लिए। सो ये मैचस्टिक वाला स्काई शॉट है, मैं इसे यहाँ पे इस तरह से होल्ड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्लायर लगा रखा है इसे होल्ड करने के लिए, और अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा मैचस्टिक वाला स्काई शॉट बिल्कुल भी अच्छी तरह से वर्क नहीं किया, और इसमें हमने जो बिजली बम डाले थे वो अच्छी तरह से ऊपर जा ही नहीं पाए, क्योंकि फ्रेंड्स मैचस्टिक के पाउडर में इतना पावर होती ही नहीं कि वो स्काई शॉट को इतना ऊपर तक थ्रो कर सके। तो ऐसे स्काई शॉट को बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, अगर हम इसके ऊपर का पेपर नहीं लगाया तो शायद स्काई शॉट थोड़ा सा ऊपर जाए। तो फ्रेंड्स चलिए तो अब बारी आती है इस वाले स्काई शॉट की, जिसे हमने स्काई शॉट के पाउडर से बनाया है। देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये वाला स्काई शॉट एकदम रियल स्काई शॉट की तरह वर्क किया है। इसमें से स्काई शॉट निकलते टाइम जो फायर निकली वो एकदम रियल स्काई शॉट की तरह थी। तो फ्रेंड्स इस स्काई शॉट को फॉलो करके आप स्काई शॉट बना सकते हैं। ये देखिए दूसरे कैमरा एंगल से एकदम क्लियर वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स देखा आपने दोनों स्काई शॉट किस तरह से वर्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम 7 स्काई शॉट बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी के लिए आप ये एंड स्क्रीन वाला वीडियो देख सकते हैं।